नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल MLT लैब मैनुअल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग जानेंगे रूटीन टेस्ट के बारे में कि यूरिन रूटीन टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और इससे कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है और कौन कौन से हमारे सिम्टम्स साइन और सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें डॉक्टर ये जो है रूटीन यूरिन टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में जो है शेयर भी कीजिए। तो हम जानते हैं पहले बेसिक चीज़ें कि यूरिन होता क्या है। तो यूरिन जो है एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी का जो किडनी प्रोड्यूस करता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी फ्लूड्स होते हैं उसका जो फिल्टर होता है वो किडनी करता है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड एंड ऑल द बॉडी फ्लूड्स। उसमें क्या होता है कि किडनी फिल्टर करने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस चाहिए, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती है हमारे बॉडी के लिए, वो क्या करता है किडनी अपने पास रख लेता है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे वो बाहर कर देता है, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन के अंदर जो है वो 92 से 94% जो है वाटर होता है, बाकी जो 8 से 6% हो गया उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कुछ सेलुलर पार्ट्स भी होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी यदि वो पीता है तो उसमें जो है यूरिन जो है वो 1.5 से 2.5 लीटर उसे यूरिन पूरे बॉडी में वो बनता है। और जो है बनने के बाद जो है वो सीक्रेट कितना करता है, तो 1 से 2 लीटर पर डे यूरिन जो है वो सीक्रेट होना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर कौन कौन से बीमारी वो में जो है यूरिन टेस्ट करते हैं। तो पहला है किडनी डिजीज के लिए। किडनी डिजीज के लिए जो है वो यूरिन टेस्ट से पता चलता है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद है जॉन्डिस। जॉन्डिस का भी जो है पता वो यूरिन टेस्ट से पता चलता है, उसमें बिलरूबिन होता है तो उससे हम ये पता चल सकते हैं उसको जॉन्डिस है या नहीं है। डायबिटीज टेस्ट का पता चलता है, उसके बाद किडनी स्टोन का पता चलता है, उसके बाद जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी पता चलता है, उसके बाद जो है लिवर डिजीज का भी पता चलता है। तो ये सब सारे डिजीज है जिसमें हम रूटीन यूरिन टेस्ट करते हैं और इससे ये सारे डिजीजों का पता हमें चलता है। अब जो यूरिन टेस्ट जो हम करते हैं तो उसमें ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं यूरिन के। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। 3 मेथड से हम यूरिन टेस्ट करते हैं। तो फिजिकल में होता है हमारा कि हम उसमें वॉल्यूम देखते हैं कि कितना जो है यूरिन का अमाउंट कितना है, उसके बाद उसका कलर देखते हैं, उसके बाद उसका टर्बिडिटी यानी कि अपियरेंस देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच, ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। केमिकल एग्जामिनेशन में 2 आते हैं, एक होता है नॉर्मल और ये दूसरा होता है एबनॉर्मल। तो नॉर्मल यूरिन नॉर्मल जो है वो होते हैं जो यूरिन में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन, ये नॉर्मल यूरिन का पार्ट्स होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। और एबनॉर्मल यानी कि ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल साल्ट, बिलीरूबिन, ब्लड, हाँ, बाइल और पिगमेंट, ये सब जो है यूरिन का एबनॉर्मल पार्ट है। यदि ये सब प्रेजेंट है यूरिन में एबनॉर्मल चीज़, इसका मतलब उसको कोई डिजीज है। और माइक्रोस्कोपी जो हम करते हैं तो उसमें हम RBC देखते हैं, WBC भी देखते हैं, पस सेल्स भी देखते हैं, कास्ट सेल्स भी देखते हैं, हाँ, उसके पिथिलियम सेल्स भी देखते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट, फॉस्फेट ऑक्सालेट, ये सब सारी चीज़ें हम रूटीन यूरिन टेस्ट में हम देखते हैं। अब जब डॉक्टर जब लैब में रिपोर्ट आता है तो हमारे पास इस टाइप का एक रिपोर्ट आता है जो ये पैरामीटर्स होता है, उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। इसमें हम ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ों के बढ़ने से क्या बीमारी हो सकती है। तो वॉल्यूम जो है वो आपको 25 से 30 ml तक बीच में आप उसको यूरिन सैंपल दे दीजिए। कलर जो है वो पेल येलो होता है। कलर जो वैरी करता है आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे कलर वैरी करता है। यदि आप कोई ड्रग कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसका वो, तो उसके वजह से भी जो है ये कलर आपका चेंज हो सकता है। टर्बिडिटी क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001 से 1.0010 के बीच होने, अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू अगर ज़्यादा आता है इसका मतलब आपको किडनी डिजीज है।
पीएच का वैल्यू डिपेंड्स करता है कि आप जो है क्या खाना खाएं रात में, कैसे आपको वो सब चीज़ें ली हैं खाने में, उस पर डिपेंड्स करता है पीएच। अब हम देखते हैं केमिकल में। केमिकल में यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है उसमें, हमारे रिपोर्ट में अगर दिखा जाए कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उसका मतलब है कि उसमें डायबिटीज़ है, उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। प्रोटीन जो है वो भी एबनॉर्मल है, प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसको किडनी डिजीज है, यानी कि वो किडनी जो है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाता है प्रोटीन्स को, इसलिए हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है। कीटोन बॉडी होता है, कीटोन बॉडी यदि प्रेजेंट हो, इसका मतलब वो होगा कि हमारे अंदर जो है वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट की कमी है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी प्रेजेंट होता है। बिलिरुबिन जो है अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें जॉन्डिस है, जॉन्डिस हेपेटाइटिस के केस में बिलिरुबिन प्रेजेंट है। यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ठीक नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और माइक्रोस्कोपी में यदि आरबीसी प्रेजेंट है, इसका मतलब जो हमारा जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है सही से, इसकी वजह से वो आरबीसी प्रेजेंट हो, यानी कि हमारे यूरिन के साथ ब्लड आ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब उसके किडनी डिजीज को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और यदि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा प्रेजेंट है, दो से तीन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बॉडी का जो जो हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पस सेल्स में भी यदि ज़्यादा हो तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ इन्फेक्शन है। एपिथीलियम सेल्स में भी सेम है। और यदि कास्ट सेल, यदि कैल्शियम ऑक्जालेट, फॉस्फेट ऑक्जालेट ये क्रिस्टल प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी स्टोन है। तो ये सब चीज़ें कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स थे, नॉर्मल वैल्यू थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से डिजीज हमें हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली ये है कि यूरिन टेस्ट में हमें किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, जॉन्डिस, हेपाटाइटस और किडनी स्टोन, हाँ, ये सब चीज़ों का हमें पता चलता है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का हमें पता चलता है। यदि रिपोर्ट में, हमारी रिपोर्ट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें डायबिटीज है। प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब जो है हमें हमारा किडनी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फिल्टर नहीं कर पाए। कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारे अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, और वो फैट बन के हमारे बॉडी से कीटोन बॉडी बन के निकल रहा है। बिलरुबिन प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें जॉन्डिस है या हेपेटाइटस है। यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। आरबीसी प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा किडनी जो है प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा है। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। पस सेल्स, एपिथीलियम सेल्स ये सब प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारे जो सिस्टम है, गॉल ब्लाडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इसमें हमारे इन्फेक्शन है। और यदि कास्ट सेल और क्रिस्टल सेल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर कीटोन वो जो अगर क्रिस्टल्स और कास्ट सेल प्रेजेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर किडनी स्टोन है। तो ये था हमारा रूटीन यूरिन टेस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।